सो हेलो गाइस, अभी हम करने वाले हैं जय आसमान अकबर से इन द चाहल वर्सेस सुमित गोस्वामी। इसमें हम कुछ बड़ा ऐसा वैसा कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे ही आपका फेवरेट सिंगर कौन है मुझे कमेंट करके प्लीज जल्दी बता देना, कमेंट ना हो। फर्स्ट बात करें इंदर चावल की, तो इंदर चावल का जन्म 22 दिसंबर 1994 में हुआ था। इनकी रियलेजर 27 ईयर एंड इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। एल्बम्स नेम की बात की जाए तो बेस्ट ऑफ इंदर चावल एंड द लिमिटेड कलेक्शन एंड इसका सॉन्ग्स है सजना वे सजना, गल करके और भी कई अमेजिंग सॉन्ग्स इंदर चावल ने दिया। आई थिंक आप जानते होंगे। एंड इन्होंने करण औजला के साथ एक बार और क्लब किया जिसका सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुआ जिसका नाम था ड्रीम। वो भी सॉन्ग अभी भी अच्छा चल रहा है। अगर इंदर चावल की अगर पर सॉन्ग फीस की बात की जाए तो इंदर चावल अपने पर सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग के लिए लगभग 5 लाख रुपीज फीस चार्ज करते, वही उनका लाइव शो फीस है 9 लाख। अब बात करें सुमित गोस्वामी की, तो सुमित गोस्वामी का जन्म 18 नवंबर 1996 में हुआ था। इनकी रियल एज है 25 ईयर एंड इसका जन्म दाऊताली में हुआ था। एंड अगर सुमित गोस्वामी की मोस्ट व्यूड सॉन्ग नेम की बात करें तो फीलिंग, जिसपे 600 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है एंड इसका जो सॉन्ग्स है वो बहुत ही विलेजर द विलेजर्स तो और भी कई अमेजिंग परिंदे कई अमेजिंग सॉन्ग्स सुमित गोस्वामी ने अपने लाइफ में दिया है। आई थिंक आप जानते हैं। सुमित गोस्वामी का पर सॉन्ग फीस की बात की जाए तो लगभग 6 लाख है, वहीं उनका अगर लाइव शो फीस की बात की जाए तो 11 लाख है। जसमाना की बात की जाए तो जसमाना का रियल एज है 22 फरवरी 1999 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रियल एज है 23 ईयर एंड इसका जन्म जलंधर पंजाब में हुआ था। इनका जनरेशन है पंजाबी पॉप रोमांटिक भांगड़ा। अगर जसमाना की पर सॉन्ग फीस की बात की जाए तो जसमाना अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 25 लाख फीस चार्ज करते हैं, वहीं उनका लाइव शो फीस है लगभग से 15 लाख का। सो बस यही था एंड मुझे प्लीज़ आप अपना फेवरेट सिंगर नेम कमेंट करके जरूर बताना एंड लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।